हेलो एवरीवन, मेरा नाम मेघा शर्मा है। मैं शिम लॉ पे एम्प्लॉयमेंट और फैमिली लॉ प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बात करेंगे CERB के बारे में, कनाडा इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट। ये बेनिफिट गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया था उन लोगों के लिए जिन पर COVID-19 के प्रभाव से उनकी इनकम चली गई है, यानी कि वो काम पर नहीं जा सकते। ये बेनिफिट उन लोगों के लिए है जो जिनके पास कोई इनकम नहीं है, जैसे कि पेरेंट्स जिनको घर पे बैठना पड़ रहा है बच्चों का ख्याल रखने के लिए, या जिनको क्वारंटीन करा गया है। और ये बेनिफिट उन लोगों के लिए भी है जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ये बेनिफिट मार्च 15 को आपको के अकॉर्डिंग आपको मिलना शुरू होगा। एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होंगी अप्रैल 6, 2020 से, और आप अप्लाई कर सकते हैं अपने बर्थ ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग। इस बेनिफिट के एक्सेप्ट होने के बाद आपको हर महीने के हिसाब से $2,000 मिले जाएंगे पर मंथ के हिसाब से, और ये बेनिफिट जो है 4 महीने के लिए मिलेगा। आप इस बेनिफिट के लिए CRA की वेबसाइट पर अपने CRA अकाउंट के हिसाब से खोल सकते हैं और उसमें अप्लाई कर सकते हैं, या आप फोन भी कर सकते हैं CRA को ताकि आपका ये बेनिफिट जो है स्टार्ट कर दिया जाए। बेनिफिट के एक्सेप्ट होने के बाद आपको हर 4 हफ्ते बताना पड़ेगा कि आप अभी भी एलिजिबल हैं बेनिफिट के लिए। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज सर्च करें ऑनलाइन पर कनाडास COVID-19 इकोनॉमिक रिस्पांस प्लान। और अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं 403-476-2011 एक्सटेंशन 112 पे, और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं msharma@shimlaw.ca। थैंक यू।